नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की स्कूल कॉलेज को खोलने को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई। केंद्रीय मानव शिक्षा मंत्री रमेश जी पोखरियाल ने आज एक बड़ा ऐलान जारी कर दिया है स्कूलों को खोलने को लेकर। आप सभी को पता होगा कि अनलॉक 4 के अंदर 21 सितंबर से स्कूलों को आंशिक तौर पर खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन साथियों, अब सवाल ये है कि कक्षा 1 से 12 तक कक्षाएं कब से प्रारंभ की जाएगी। तो साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने, सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही एनसीईआरटी ने आज गाइडलाइन जारी कर दी है और 6 पेज का जो प्लान था वो भी तैयार कर लिया गया है कि आपके स्कूलों को कब खोला जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि अब आपके स्कूलों के समय को भी कम किया जाएगा। साथ ही सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही है, जिसकी संपूर्ण जानकारी जाने वाले इस वीडियो में विदपुर के साथ में और लाइव अपडेट आपको देने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस के बीच अब स्कूलों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्कूल कैसे खोले जाएं और इस दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, इसे लेकर एनसीईआरटी ने केंद्र सरकार को गाइडलाइंस का ड्राफ्ट सौंप दिया है। कोरोना के केस बढ़ रहे लगातार, स्कूल खोलने पर भी हो रहा विचार। एनसीईआरटी ने किया 6 फेज का प्लान तैयार। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में आपके साथ पायल हुई। दुनिया के कई देशों में स्कूल खुल गए हैं, लेकिन भारत में कब और कैसे लौटेगी स्कूलों में रौनक? शिक्षा मंत्री से इसी पर बात की बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने। अब सबसे बड़ा जो सवाल लोगों का है स्कूलों को लेकर, बहुत फिक्र हो रही है, उस पर जान लेते हैं कि क्या तैयारी हो रही है स्कूलों को खोलने की। मुझे लगता है कि स्वभाव की है और जो बच्चा है, जैसे मैंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है बच्चे की सुरक्षा। लेकिन जब इन 25 करोड़ बच्चों को स्कूल में ले आना होगा, तो अभी क्या तैयार है भारत का शिक्षा मंत्रालय? देखिए, जैसी जैसी स्थितियां होंगी वैसी वैसी स्थितियों में हम लोग निर्णय ले भी रहे हैं। जैसे जैसे परिस्थितियाँ हैं, हमारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इन दोनों की मदद से हम लोग धीरे धीरे करके जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होंगे वैसे वैसे निर्णय लेगी गवर्नमेंट। लेकिन चीन जैसे देश में, जहां 8 महीने पहले वुहान में शुरू हुआ, वहां लाखों छात्रों को वो स्कूल वापस ले आए हैं, तो फिर हमारे देश में ये भारत में कब मुमकिन हो पाएगा? बताया मैंने कि हम बच्चे की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो अभी कोई डेट नहीं सोच रही है? बताया कि जैसे जैसे स्थितियां, अभी देखिए हम परीक्षाओं से निकल रहे हैं, हमने जो लोग ये कहते थे वो ही नहीं सकता है, उन्होंने देखा ना हमने किया है। और अभी हम बच्चा घर पर ऐसा नहीं कि बैठा हुआ, उसको पढ़ा रहे हैं हम, तो हमारा हमने बच्चे को बिल्कुल पकड़ा हुआ है। और जैसे स्थितियां सामान्य होंगी, और अगर स्थिति इस साल सामान्य नहीं हुई, तो क्या ये अश्योरेंस दिया जाएगा कि बच्चे का साल बर्बाद नहीं होगा और बच्चे का साल तो हम बर्बाद कर ही नहीं रहे? कोरोना काल में शहरों में स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस कर बच्चों की पढ़ाई जारी रखी हुई है, वहीं गांवों में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए ये आज भी एक चुनौती बनी हुई है।